एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इकोटेक 3 में कार लूट के बाद ये फरार चल रहा था। कई राज्यों में वाहन और कंपनियों से करता था चोरी। बदमाशों से एक पिस्टल, बाइक और कार और साथ ही नकदी बरामद हुआ है। थाना इकोटेक 3 पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस को अपने हाथ एक बड़ी सफलता लगी। तो एक पिस्टल, बाइक, कार और नकदी इस बदमाश के पास से बरामद की गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी जिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इकोटेक 3 में कार लूट के बाद ये लगातार फरार चल रहा था। इकोटेक 3 पुलिस ने आज कच्ची सड़क के आसपास में चेकिंग कर रहे थे, उस समय एक संदिग्ध गाड़ी आया। ये टू व्हीलर पर रुक के पुलिस ने चेकिंग करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन ये लोग ने पुलिस के ऊपर हमला किया। इसमें डिफेंस में पुलिस हल्का सा फायरिंग किया है। इसमें एक फरार हो गई, उनका गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये गिरफ्तारी अभी कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, कुछ कारतूस और एक टू व्हीलर भी बरामद।